तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज दिन भर वो प्रोजेक्ट भवन में रहे हैं और अलग अलग विभागों के साथ, अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है। इन बैठकों के बाद क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, आपको सुनाते हैं। देखिए, हम लोग कहीं चलते हैं तो कुछ नजर इधर उधर भी दौड़ाते हैं और सही खराब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। और आज प्रोजेक्ट आने के क्रम में एक पार्क हमें देखने को मिला, शायद HSC द्वारा निर्मित पार्क है। आज इसमें बहुत खूबसूरत सा जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा लगी हुई है और वो पूरा पार्क जंगलों में तब्दील है। और क्योंकि रोज उस रास्ते से आना जाना होता है और इस तरीके के चीजों को मुझे लगता है कि बेहतर बनाने की आवश्यकता है और इसको लेकर हम थोड़ी सी आसपास की चीजों पर भी हम लोगों ने देखा, निरीक्षण किया, समझने की कोशिश की। क्योंकि हम लोग आमतौर पर सीधे घर से निकलते हैं और ऑफिस के चार दीवारी में आ जाते हैं तो इससे थोड़ा सा इतर हट करके चीजों को देखना चाहिए कि बिल्डिंग के या बिल्डिंग के आस पड़ोस में क्या चीजें, गतिविधियां चलती हैं, उसी का यह एक हिस्सा। देखिए, संक्रमण बढ़ना कोई आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि हम लोगों ने टेस्टिंग की भी गति बढ़ा रखी है और लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं। और इस संक्रमण का पल पल का खबर जानकारी हम लोग लेते रहते हैं और निश्चित रूप से कभी भी कुछ ऐसा प्रतीत होगा तो हम लोग हर निर्णय लेने में मतलब हम लोगों ने तैयारी कर रखी। इसके लिए हम लोगों ने एक समिति गठित कर दी है, समिति के निर्णय के अनुरूप आगे का निर्णय लिया जाए। हाँ, 9 अगस्त को आदिवासी दिवस है और क्योंकि आदिवासी बहुल राज होने के वजह से मुझे लगता है यहाँ पर उस दिन राजकीय छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन संजोगवश उस दिन रविवार का दिन पड़ता है। लेकिन आने वाला समय में जब भी ये दिन होगा वो अवकाश का दिन। तो आपने सुना मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। अब